नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। राफेल लड़ाकू विमान आखिरकार भारत पहुंच ही रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस विमान की डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा गया था। अब जब राफेल आ रहा है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इस डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आखिर राफेल प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को एचएएल द्वारा भारत में बनाया जाना था। ये भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार के आने के बाद कांग्रेस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय व कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया। एचएएल का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने की बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।